हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप भी जन्माष्टमी की बजट फ्रेंडली डेकोरेशन कर सकते हो अपने घर पे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने लिया है सबसे पहले एक लाइट वेट ब्राइट कलर साड़ी फॉर बैकग्राउंड। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का झूला बनाने के लिए मैंने ली है रैक स्टिक्स। मेरे घर पे एक रैक रखी थी, उसकी स्टिक्स को मैंने यूज किया है। स्टिक्स को जूट रोप से टाई करके रेडी कर लिया। उसके बाद उसकी पॉम पॉम फ्रिल्स और आर्टिफिशियल लीव्स डेकोरेट कर लिया। जो भी सामान हम दिवाली डेकोरेशन या घर में किसी भी डेकोरेशन में यूज करते हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये झूला। उसके बाद दशहरा पे जो हम छोटी छोटी कुलियाँ होती है ना, उसको यूज किया है मैंने। उसको पेंट कर लिया एंड उससे डेकोरेशन की है। मटकी बना सकते हो आप, उससे प्रसाद आप उसमें रख सकते हो। उसके बाद मैंने बनाई है छोटी सी भगवान श्री कृष्ण जी की झांकी। इसमें जो भी पिक्चर्स मैंने यूज की हैं वो मैंने पहले ही निकलवा ली थी। सो ये झांकी बनाने के लिए मैंने यूज किया है घर में रखे हुए कार्टन्स, आपके फोन के बॉक्स जो होते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी सी रोड़ी और रेत ले आई थी, और ग्लू गन और पेंटिंग कलर्स की हेल्प से इसको ये लुक दिया है। सो फ्रेंड्स, आप ये पीछे जो एक ब्राउन कलर के पहाड़ का लुक जो देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है जो हमारे बुक कवर्स होते हैं ना, कॉपी कवर्स, उसको क्रश करके मैंने ये पहाड़ लुक दिया है। और आगे आप एक हैंडपम्प भी देखेंगे, उसको मैंने बनाया है स्केच पेन से, जो खराब हो गया था उसको यूज किया है। एंड एक एम्प्टी कलर बास्केट से मैंने बकेट लुक दिया है। सो कुछ इस तरीके से बनी है मेरी झांकी। फ्रेंड्स, आप भी ऐसी झांकी और जन्माष्टमी की डेकोरेशन घर पे कर सकते हो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ मिलकर। बहुत मजा आता है फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको जरूर इन्वॉल्व करिएगा, दे विल एंजॉय इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।